क्वेश्चन में गिवन है शाफ्ट ऑफ द मोटर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कांस्टेंट है यानी कि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है शाफ्ट 3000 आरपीएम, या आरपीएम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी, आरपीएस फ्रीक्वेंसी, आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम तो पंखे के भी होती है, आरपीएम गाड़ियों के होते हैं, और ऐड दे नई गाड़ी आई है आरपीएम बहुत ज्यादा है, आरपीएम ज्यादा मतलब जरा सी रेस दबाओगे ना आरपीएम बहुत तेज तेज घूमेगी, एक सेकंड में कई रेवोल्यूशन कर जाएगी, फ्रीक्वेंसी पिकअप ज्यादा है, तो ये आपकी आरपीएम है, आरपीएम कभी यूज नहीं करना, आरपीएस करना, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, तो आरपीएम आरपीएस में कन्वर्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड रेडियंस इट हैज कवर्ड, रेडियंस कवर्ड का मतलब थीटा निकालो कितनी देर में इन 1 सेकंड, तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, थीटा इज ओमेगा टी, आपको इस क्वेश्चन में थीटा निकालना है रेडियंस में, ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी करवाया था पिछली बार, तो ये ओमेगा आ गया, टाइम आपको 1 गिवन है, इतने रेडियंस आंसर आ गया, राइट, ठीक है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन देखें, कार व्हील रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा, तो व्हील अगर घूम रहा है विद अल्फा का मतलब उसका ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, पहले वो चक्का धीरे फिर तेज फिर तेज फिर तेज, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, गिवन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, इट रोटेट्स थीटा 1 इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड नेक्स्ट 2 सेकंड में इट रोटेट्स बाय थीटा 2, आपको रेशियो निकालनी है थीटा 2 और थीटा 1 की। अब इसमें क्या करेंगे, आप इक्वेशन लगाएं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, केस नंबर 1 में थीटा 1 है इनिशियल, ओमेगा क्या है 0 हाफ इनटू अल्फा इनटू 2 स्क्वायर, अब अगला एंगल अगले 2 सेकंड में कितना है थीटा 2 है, तो क्या करेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2, 0 प्लस हाफ इनटू अल्फा इनटू 4 स्क्वायर, क्योंकि स्टार्टिंग से टाइम अब क्या हो चुका है 4, स्टार्टिंग से क्यों लिया फिर से, क्योंकि ओमेगा नॉट क्या है 0, क्योंकि हमें बीच में ओमेगा निकालना तो आता नहीं, तो ओमेगा नॉट दोनों केस में 0 हो जाएगा, तो आप इसमें रेशियो निकालना चाहते हैं दोनों थीटा की, तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड कर लें, अल्फा अल्फा हाफ हाफ कैंसिल, तो आपके पास ये रेशियो आ गई, तो यहां से थीटा 2 बाय थीटा 1 की वैल्यू क्या जाएगी 3। तो ये इक्वेशन, दो इक्वेशंस क्लियर हैं, कैसी बनाई, क्यों किया, आप काइनेमेटिक्स भूल गए, काइनेमेटिक्स में करते थे एक बॉडी S1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन फर्स्ट 2 सेकंड, फिर वही बॉडी S2 कवर करती है इन नेक्स्ट 2 सेकंड, तो S1 की इक्वेशन क्या बनती थी 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर, अगले टोटल जर्नी के लिए S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 4 का स्क्वायर, हम ये ले सकते हैं, पर हमें यहां पर क्या नहीं मालूम वेलोसिटी, ऐसी उसमें ओमेगा नहीं पता बीच में, तो स्टार्टिंग से ले लो क्योंकि ओमेगा नॉट 0 पता है, सेम क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स वाला, नहीं तो अगर मैं S2 की इक्वेशन लगाता हूं तो फिर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, ऐसे ओमेगा इनिशियल निकालना पड़ेगा जो मुझे पता नहीं, तो निकालना नहीं चाहता, मैंने जर्नी स्टार्टिंग से ले ली,